हे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार दोस्तों आज अपन खेले वाले हैं सर्वाइवर रेनबो फ्रेंड भैया। इसके अंदर करना क्या है भैया? इसके अंदर अपन को सरवाइव करना और यार टास्क मिला है जिसके अंदर अपन को यार ये ब्लॉक्स ढूंढने हैं। ब्लॉक्स जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी अपन लेवल पार कर पाएंगे। फिलहाल यार मेरा गला बैठा हुआ क्यों लग रहा भैया? मुन्ना और खा ले आइसक्रीम। हे भैया मैंने कोई आइसक्रीम नहीं खाई थी। फिलहाल दोस्तों यार अपन को ये मिल चुका है दमदार बॉक्स और ये बॉक्स कंप्लीट कर दे। लेकिन भैया ये तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा है यार। आया मुन्ना इजी है लेकिन वो कौन घूम रहा है? देख ब्लू वाले को। अरे बाप रे बाप। हे भैया सही कहा, वो अपन की बैंड बचा देगा। लेकिन उससे पहले अपन ने कर दिया टास्क को कम्प्लीट। इस टास्क के अंदर तो बस यार ये ब्लॉक्स को कलेक्ट करना था। ओए मुन्ना ये तो बहुत इजी था लेकिन अब ये नेक्स्ट वाला कौन सा है? हे भैया जरा ये भी टेस्ट कर लेता हूँ ना, देखते ये क्या चीज है। इसके बाद पता चलेगा ये क्या चीज है भैया। बूस्टर नहीं, बूस्टर के लिए अपन के पास पैसे नहीं है। बिना बूस्टर के जाएंगे और कमाल करेंगे भैया। ओए मुन्ना मार इसको। हे भैया मैंने इसकी धुलाई कर दी, रुक जाओ यार। मुझे और आके भी धुलाई करनी पड़ेगी। हे नल्ला रुक जाओ, ये ले आखिरकार इसकी बैंड बजा दी मैंने। हे कहाँ भाग रहा है ये? तू भी खा और तू भी खा। ओए मुन्ना तू तो प्रो बन गया। अरे बाप रे उसने तो हाल बन के बैंड बजा दी। अरे भैया ये क्या हो गया मेरे साथ में? ओए मुन्ना तेरी तो बाबा बैठ चुके हैं पोंगी अच्छे से। हे भैया पोंगी नहीं भूल लेखा। अरे अरे भैया ये क्या हो गया तुम्हारे साथ में? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे यार और कैसा होना चाहिए था? हे भैया तुम ट्राई कर लो यार। ओए मुन्ना चल ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ओए इसके अंदर करना क्या है? हे भैया अभी बताया था ना, हाँ बक्से के अंदर जब छुपक रहो जब वो आ जाएगा तुम्हारे पीछे रेड वो फ्रेंड्स भैया, उससे पहले तुम्हें ये कलेक्ट करना है। ओए मुन्ना वो आ चुका है नल्ला, मैंने देख लिया उसको। हे भैया भागो, अगर उसने पकड़ लिया तो वो तुम्हारी बैंड बजा डालेगा। ओए इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आने वाला। ओए देख लियो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मुन्ना। हे भैया लेकिन यार भागो भागो, बच गए बाल बाल बचे। अभी तो वो धुलाई कर देता यार तुम्हारी। 20 सेकंड लेफ्ट भैया, जल्दी जल्दी बक्से लगाओ यार। पूरी टीम लगी पड़ी है इसमें, वैसे सरवाइव करना भैया, कर जाना सरवाइव। वो देखो तुम्हारे पीछे लग गया। ओए इस नल्ले को मैं दिख रहा हूँ, ये देख बक्से में छुपक गया और वह कंफ्यूज हो गया कहाँ गया वो। हे भैया इसके अंदर दिमाग नहीं, बाप रे बाप किसी को उसने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। लेकिन यार टाइम खत्म हो गया और अपन जीत चुके हैं भैया। ओए क्या बात है मुन्ना, ये तो मौज कर दी इसने। ए भैया मौज तो मैं भी तुम्हारी करता हूँ यार। अभी देखना भैया वाली गेम तुम ट्राई करो यार, बहुत ज्यादा टफ है वो तो। ओए चल ठीक है अभी रुक मैं ट्राई करता हूँ इसको, देखो कितना टफ है। ओए मुन्ना इसको तो मैं ही पार कर सकता हूँ। हे भैया देखते हैं कौन कर पाएगा कि कौन नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है सिर्फ इसे मैं ही कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते। ए भैया ओए मुन्ना ड्रामेबाजी बंद कर और देख कैसी बैंड बजा रहा हूँ सबकी। ओए एक भी नल्ला मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ओए रुक जाओ कहाँ भाग रहा है चपड़ गंजू। हे भैया छोड़ने का नहीं किसी को। ए देखो यार मारियो घूम रहा था। ओए मुन्ना इसकी बैंड बजा दी। ओए हल्क वाले बंदे को मेरे को देखना पड़ेगा। अबे हल्क जो बन जाता है वो तो मार देता। हाँ ये ले पेदी उड़ा दिया आखिरकार। ए भैया ये क्या हुआ आखिरकार? ए ये क्या था भैया समझ में नहीं आया। वाह उसने मेरा नेम टाइटल कैसे ले लिया, उसने मुझे मार दिया। हे भैया अरे बाप रे बाप ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया। ओए मुन्ना अरे बाप ने बड़ा ट्राई कर ले तो भाई। देखो की घर यहाँ पर तो ये भी घूम रहा जोकर। अरे वाह वो देख हल्क मर गया। हे यार हल्क ने तो उसको मारा और उसने हल्क को मार दिया, मतलब कि हल्क मर चुका है इसकी में। अभी तो बाप भैया के पास चांस है जीतने का। ओए मुन्ना सही बोला है, बाप नुड़े तो जीत सकता है, कुछ कमाल कर जा। अरे वो भाग रहा है देख कैसे चक्करी चक्करी कर रहा है। हे यार वो चक्री मकरी कर रहा है लेकिन बाप भैया छोड़ने का नहीं, उसको उड़ा डालने का। ऐसे उड़ाओ यार किसी को नहीं छोड़ने का।
ओए मुन्ना ये क्या चीज है? हे भैया बाप रे बाप, ये बहुत बढ़िया। बाप भैया तो छा गए यार, बाप भैया का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर बाप भैया ऐसे खेलेंगे तो वही मजा आ जाएगा। और भी धो यार, बाप भैया तुम कर सकते हो, और भी मजा कर सकते हो। ओए मुन्ना तू चीख क्यों रहा है? अरे अपने कार के गर्दे को फाड़ रहा है। हे भैया मैंने कुछ नहीं करा यार, ऐसे नहीं बोलने का, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा, एक ही बार में नहीं छोड़ूंगा। ओए मुन्ना तेरी बकवास सुन सुन के मेरे कान में हो गया दर्द, चुप रहेगा एक मिनट के लिए और निकाल दूंगा तेरा मरहम। हे भैया ठीक है यार, ठीक है। हे दोस्तों यार, काफी दिन से मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, और तैयार हो जाओ यार कान खोल के और दिमाग को चालू करके, आज मैं आपसे पूछने वाला एक दमदार क्वेश्चन। हे दोस्तों जल्दी से इम्पोस्टर की स्पेलिंग लिख दो कमेंट के अंदर, जिसको भी आती है। वैसे दोस्तों इम्पोस्टर बोलते किसको ये भी बताना मुझे, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, इम्पोस्टर किसको बोलते हैं? वे मुन्ना मुझे खुद नहीं पता, इम्पोस्टर इम्पोस्टर को बोलते हैं। हे भैया इम्पोस्टर इम्पोस्टर को बोलते हैं नल्ले कही के। ये तो कबाल की बात है दोस्तों, किस किस को पता है जल्दी से बता देगा कमेंट के अंदर भैया, जैसे नल्ले लोग। हे भैया ओए मुन्ना तेरे को ज्यादा पता हो गया। ए भैया इसके अंदर और भी चीजें लॉक पड़ी हुई है, जिसको अनलॉक करने के लिए अपन को डायमंड चाहिए डायमंड, और ब्लू वाले डायमंड जितने होंगे उतनी जल्दी अपन अनलॉक कर पाएंगे दूसरे स्टेज को यार। ओए मुन्ना संभाल के करियो। ए भैया देखो यार, ये देख रहे हो ना कैसे मुझे स्किन मिल गई ये वाली, और ये वाली स्किन से कितना बढ़िया लग रहा है। भैया वह मना कर क्या रहा है, थोड़ी रखे टकले पे मार उसके और ले ले उसे ब्लॉग। ए भैया मेरे पास अपना बॉक्स रखा हुआ है ना, ए और ये सारे अपने टीममेट है भैया, इनकी की मतलब कि सब मिलजुल के इसके अंदर काम करने का। अरे बॉक्स ये वाला तो माइनक्राफ्ट वाला जैसा लग रहा है यार। अबे यार वो ब्लू वाला कहीं भी घूम सकता है, या तो पूरा डार्क हो रखा है। मुन्ना संभाल के रही हो, अगर वो तेरे सामने आ गया तो तू कर क्या पाएगा? हे भैया मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे बाप, उसने देखा उसकी कैसे कुटाई कर दी भैया। ओए मुन्ना पार लेवल पार हो गया, हाँ फाइनली तू निकल गया वहां से। ए भैया निकल तो गया, लेकिन यार ये गेम धीरे धीरे करके मुश्किल हो रही है। अभी तो अपन दो ही स्टेज खेल पा रहे हैं, जो कि एक यार उसमें मतलब कि सबकी बैंड बजानी है, और दूसरे वो वाला। ओए बुढ़ा बात बाकी पे तो लॉक बना हुआ है। हे भैया सही कहा यार, ये देखो यार सेकंड वाला खोलने के लिए ये नीचे वाला चाहिए, नीचे वाले को खोलने के लिए डायमंड चाहिए भैया, जो 10 डायमंड लगेंगे, लेकिन अपने पास 4 है खाली। इतना डायमंड तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, थोड़ा ट्राई करते हैं कितनी जल्दी होगा। ओए मुन्ना डायमंड तो बहुत कम मिल रहा है, 4 ही मिला जब से। ए यार सही कहा भैया, 4 डायमंड मिल चुका है, लेकिन समझ आ गया कि सबसे पहले नीचे वाला को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला भी अनलॉक हो जाएगा उसके पार करने के बाद। ऐसे एक के बाद एक अनलॉक होगा भैया। ओए मुन्ना चल बढ़िया, एक के बाद एक अनलॉक होगा तो सही रहेगा। ए भैया सही कहा यार, लेकिन उससे पहले यार अपन को और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। ओए मुन्ना बनना पावरफुल तो टेंशन क्यों ले रहा है, देख तू चक दे फटे, ओए सीधा निकल जा। हे भैया निकल तो जाऊंगा, लेकिन यार ये पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे करके, रेड मो फ्रेंड खतरनाक हो चुका है। ओए मुन्ना रुकिए मत, अरे बाप रे भाग ले वहां से, वो तो गेट पर उसकी धुलाई कर दी। अरे भैया उसका तो कचुमड़ निकाल दिया उसने मार मार के। ए बाप रे भागो भागो, इधर ही घूम रहा है यार ये तो। ए इसने मुझे देख लिया, भागना पड़ेगा मुझे भैया। ओए मुन्ना भाग दे रहे, इधर तो कुछ नहीं मिला। हे भैया इस नल्ले ने उठा लिया। ये क्या था भैया, इसने तो मेरी धुलाई कर दी। बाप रे बाप, ए बत्तीसी चमका रहा कर। ओए मुन्ना तूने आकर कर पिटाई लगवा ली अपनी। हे दोस्तों इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब।